कांग्रेस बोले बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक वे भी नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके सामने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी थी, इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा बोले भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाती है, पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। खेड़ा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन ना आपको बेच पाएंगे और ना ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। खेड़ा ने विपक्ष के 51 केस गिनाए जिन पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने 20 केस ऐसे गिनाए जिसमें सत्ता पक्ष और उनके करीबी पार्टियों के नेताओं पर केस दर्ज हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खेड़ा ने कहा कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। भाजपा ने उन पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब वे एनसीपी को तोड़कर भाजपा के साथ गए तो उनके सारे दाग साफ हो गए।